अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के गनर की शिकायत पर सिंधिया समर्थक भाजपा नेता पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। घटना 15 सितंबर की है, जब केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर आए थे। उनके कार्यक्रम के लिए CM का कारकेड गुजर रहा था, तब विक्कू राजावत कारकेड में घुसने का प्रयास कर रहा था। ये देखते ही ग्वालियर कलेक्टर के गनर चंद्रशेखर शर्मा ने उसे रोका। विक्कू राजावत ने गनर से अभद्रता की, कलेक्टर ने बीच बचाव किया तो उनसे भी अभद्रता कर दी और हमलावर तेवर दिखाए। गनर ने कलेक्टर को बचाने आगे बढ़ा तो विक्कू ने उससे पिस्टल छीनने का प्रयास किया। गनर रविवार रात महाराजापुरा थाने गया और मामले की शिकायत की। पुलिस ने भाजयुमो नेता विक्कू राजावत पर पिस्टल लूटने के प्रयास और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। शहर के नाका चंद्रवदनी निवासी चंद्रशेखर शर्मा 14वीं वाहिनी एक कंपनी में पदस्थ है। शर्मा इस समय कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की सुरक्षा में तैनात हैं। उन्होंने महाराजपुरा पुलिस को शिकायत में बताया कि 15 सितंबर को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और CM शिवराज सिंह चौहान को 11.58 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेना था। शाम को CM का कारकेड निकल रहा था, इसी समय सिंधिया समर्थक व भाजयुमो के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विक्को सिंह राजावत वहां मौजूद थे। उन्होंने CM के कारकेड में घुसने का प्रयास किया, सुरक्षा घेरे में सेंध लगते देखी तो शर्मा ने तत्काल विक्कू राजावत को रोका और घुसने से मना किया। इस पर भाजयुमो नेता गनर से भिड़ गए और उसके तेवर हमलावर हो गए। यह देखते ही कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह वहां पहुंचे और समझाना चाहा तो विक्कू राजावत ने कलेक्टर से भी अभद्रता की। इतना ही नहीं, उन पर भी हमलावर होने लगा। जब नेता कलेक्टर से अभद्रता कर उतर आया तो गनर ने बीच में आकर उसे रोका। यहां उसने गनर से हाथापाई कर उसकी पिस्टल छीनने का प्रयास किया। उस समय वहां कई लोग और फोर्स आ गया, तब जाकर स्थिति संभाली गई। उस समय तत्काल VVIP कार्यक्रम में जाना था, इसने गनर और कलेक्टर वहां से निकल गए। रविवार रात को ग्वालियर कलेक्टर का गनर महाराजपुरा थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की है। इसके बाद कूनो में PM का कार्यक्रम होने और ग्वालियर में लगातार VVIP मूवमेंट होने के चलते वह थाने नहीं आ सके हैं, इसलिए 3 दिन बाद रविवार को मामले की शिकायत दर्ज कराई है।